नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। असदुद्दीन ओवैसी जो इस बार फिर से हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, हैदराबाद की सीट से। 40 साल से उनका परिवार लगातार राज करता है। पहले ओवैसी के पिताजी थे और 20 साल से असदुद्दीन ओवैसी यहां से सांसद हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि ओवैसी साहब बौखलाए हुए हैं, वो तमतमाए हुए हैं, क्योंकि माधवी लता बीजेपी की उम्मीदवार उनके सामने हैं और उनके साथ थी सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नाजिया इलाही खान, जो उनके साथ गई थी। उनका प्रचार भी उन्होंने 3 दिन तक वहां किया था और मुस्लिम महिलाओं को जागरूक करने का काम किया था। जिस तरीके से वहां मुस्लिम लड़कियों को बेचा जाता है, उनका शोषण किया जाता है, गली मोहल्ले में हलाला के जो सेंटर खुले हुए हैं, जब वो हकीकत इन दोनों महिलाओं ने मिलकर बाहर निकाली देश से, उस हैदराबाद की काली हकीकत से देश को जब रूबरू करवाया, तो उस वक्त ओवैसी साहब और ज्यादा बौखला गए। और इसी बौखलाहट में एक ट्विटर हैंडल है मोहसिन एक्स, जिसे असदुद्दीन ओवैसी की फैन आर्मी चलाती है, ऐसा नाजिया जी का कहना है। और उसने नाजिया जी के खिलाफ इस तरीके की भद्दी टिप्पणियां की, भद्दे कमेंट्स किए, जो एक महिला के खिलाफ नहीं किए जा सकते, एक आम आदमी नहीं कर सकता। और जब खुद वो कमेंट्स मैंने पढ़े, तो मैं खुद उन्हें पूरे कमेंट्स को नहीं पढ़ पाया। तो क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से इस मामले को लेकर नाजिया जी ने डेफेमेशन केस किया है असदुद्दीन ओवैसी पर, जानेंगे नाजिया जी से। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओवैसी साहब जो बौखलाए हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या इज्जत भी तार तार करने पर उतारू हो गए? देखिए, पहली बार 40 साल में बाप दादा की गद्दी पाने के बाद पहली बार ओवैसी को मैंने अपनी नजरों से हैदराबाद की जमीन पर लड़खड़ाते देखा, कपकपाते हुए देखा और उसके चेयर को हिलते हुए देखा, उसकी गद्दी को उसके हाथ से फिसलते हुए देखा। और जैसे ही हैदराबाद की सरजमीन पर मैं पहुंची और चार मीनार का काला चिट्ठा मैंने दुनिया के सामने रख दिया, मोदी जी के डिजिटल भारत का जो प्रचार और जो इस्तेमाल वहां पर हो रहा है धड़ल्ले से, और फिर भी असदुद्दीन ओवैसी रजाकार का फौज बन करके पाकिस्तान की जुबान के हिसाब से भाषणबाजी कर रहा था अपने इलेक्शन की कंपेनिंग में, उसका काला चिट्ठा और सच्चाई सामने लाने के बाद ओवैसी को आया बड़ा गुस्सा। कहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन संवैधानिक देश भारत के लिए पर्व माना जाता है और गर्व माना जाता है, और ऐसे संवैधानिक देश में जब इतना बड़ा लोकसभा इलेक्शन का पर्व और गर्व दोनों हो रहा है, तो एक हिंदू बेटी माधवी लता और एक मुसलमान बेटी नाजिया इलाही खान को ओवैसी के रजाकार फौजों ने गालियों से भरपेट नंगा किया है। माधवी लता जी को रोड पर माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं कि सारे न्यूज चैनल पिप पिप करके चला रहे हैं, और नाजिया इलाही खान को ऐसी गंदी गंदी गाली लिख करके दी जा रही है जो आप भी नहीं पढ़ पाए और मेरे घर वाले भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और मेरे अब्बू जान तो कह रहे हैं कि बेटा गई क्यों हैदराबाद, हैदराबाद ओल्ड सिटी कोई अच्छे मुसलमान घर की बेटियां थोड़े ही जाती हैं, ये मेरे अब्बू ने कहा है। नाजिया जी, मैं एक बार वो वीडियो सुनवा दूं दर्शकों को, जिसमें जेड प्लस की जो सिक्योरिटी है माधवी लता की, वो उनके साथ है और एक युवक सरेआम सरे बाजार हजारों की भीड़ में उन्हें गालियां दे रहा है, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं कर पाता है। सुनिए जरा। Right!
अभी देखिए ये जो आदमी जो आपने वीडियो दिखाया है, ये आदमी माधवी लता जी की माँ को कितनी भद्दी और कितनी गंदी गालियां दे रहा है, कितनी खराब गालियां दे रहा है। और एक तरफ अवेसी का छोटा छोटा बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और फिर उसको बेल मिल जाता है, दूसरी तरफ अवेसी अपने इलेक्शन की कंपेनिंग में बोलता है, मोदी को गालियां देता है, भारत के प्रधानमंत्री को, और साथ साथ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को अपने इंटरव्यू में थूकता है। वो इंटरव्यू मेरे पास है जिसमें उसने कहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर मैं थूकता हूं और किसी भी मुसलमान को उसमें नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। तीसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी जो पाकिस्तान बना करके हैदराबाद के चार मीनार और ओल्ड सिटी को रखा हुआ है, और 40 वर्षों से अपनी गद्दी को बचाने के लिए जो पाकिस्तानी तरीका जो चला रहा है, ये और अब हम चलने नहीं देंगे। अभी तो मैंने 10 करोड़ का मानहानि का केस किया है, अब इसके बाद क्रिमिनल केस करूंगी मैं असदुद्दीन अवैसी के ऊपर। असदुद्दीन अवैसी जो जाहिले आजम और लुंगी छाप और मदरसा छापों की जो फौज बनाया है, ये भारत संवैधानिक देश है, ये कोई पाकिस्तानी कब्रिस्तान नहीं है, जाहिलिस्तान नहीं है, तो यहाँ पर ये चीजें चल जाएंगी। मैं तीसरी बात बोलना चाहती हूँ कि असद साहब, महिलाओं को गाली दिलवाने से आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ असद साहब, रजाकार फौज के आखिरी चश्मो चिराग आपके अब्बू जान तकरीर किया करते थे कि भारत के हिंदू आपके अब्बू जान के तलवे चाटा करते थे, और आपके अब्बू जान ने हजारों साल भारत पर हुक्मरानी की है, तो क्या औरतों को गालियां दे करके और उनके सलवार उतार करके, क्या औरतों को जलील कर करके, औरतों को बेइज्जत करके, औरतों को उनके उनके चमड़ों का रंग बता करके, या औरतों को अपने शब्दों से और शब्दावली से उनके कपड़ों को निर्वस्त्र करके आप इसी तरीके से अपनी सरकार चलाते हैं, आप इसी तरीके से अपना व्यापार चलाते हैं, आप इसी तरीके से आपके बाप दादा भी औरतों को नंगा कर करके अपनी गद्दी संभालते आए हैं, शर्म नहीं आती असद साहब? एक तो आपने हैदराबाद की मासूम मुसलमान बेटियों को बेचवाया है निकाह मसियार के नाम पर, आपने हैदराबाद के चार मीनार को कोठा बनाया है, तवाइफ खाना बनाया है, और अभी आपने अपने रजाकार के दल्लों को मेरे पीछे लगाया है गालियां दिलवाने के लिए। लोग मुझे कह रहे हैं कि दोबारा आके दिखा चार मीनार पर, और कितनी अभद्र गालियां दिया गया है वो आप जरूर दिखाएं, और मैं चाहती हूँ कि लोग पढ़े। असद साहब, मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह नहीं, वो भाषा इतनी गंदी है वो मैं नहीं दिखा सकता। नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको दिखाना पड़ेगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि देश का एक एक व्यक्ति देखे कि असदुद्दीन अवैसी की जुबान कितनी गंदी है। असदुद्दीन अवैसी जो खुद को बैरिस्टर बोलता है, असदुद्दीन अवैसी जो अपने आप को पक्का मुसलमान बोलता है, तो क्या इतनी गंदी गालियां जो उसके फौज रजाकार के फौज के दल्ले दे रहे हैं, ये क्या सुन्नत रसूल है? नहीं, वो ट्विटर जो हैंडल है मोहसिन एक्स नाम से, आपने कैसे पता किया कि वो असदुद्दीन अवैसी चलाते हैं? आप वो मोहसिन एक्स का पूरा ट्विटर हैंडल देखिए, आप उसका फेसबुक देखिए, आप उसका एड्रेस निकालिए। मैंने तो उससे बातचीत की है ट्विटर एक्स हैंडल पर, मैंने उससे बजाते बातचीत की है, और उसके बाद फिर मेरे फेसबुक मेटा पर जो अभद्र टिप्पणियां आ रही है मुझे चार मीनार से, मुझे धमकियां आ रही है कि चार मीनार पे आप पैर रख करके दिखा। चार मीनार पे तो आप रह के आई हैं, दो चार घंटे वहां शॉपिंग वॉपिंग भी करके आई हैं, मुझे पता चला था। मैं तो मस्त घूम करके आई हूँ, और दोबारा फिर जाऊंगी असदुद्दीन अवैसी, बड़े और छोटे दोनों। और तूने तो 15 मिनट मांगा था, नवनीत राणा ने 15 सेकंड मांगा था, मैं नाजिया इलाही खान सिर्फ 5 सेकंड मांगती हूँ। बताऊंगी कि 82.7% में ताकत है ना तेरे रजाकार के फौज में ताकत है, दिखा देना चाहती हूँ मैं 5 सेकंड में। और अभी तो 10 करोड़ का मानहानि ठोका है, अभी शेरवानी का कॉलर घसीट करके, असद साहब मैं तुझे जेल की सलाखों में डालूंगी, तूने बहुत गलत जगह पर उंगली की है, बहुत गलत जगह पर। नहीं, जिस तरीके से, क्या सत्ता के लिए कोई इतना कैसे बौखला सकता है? 40 साल हो गए उस सीट पर उन्हें राज करते हुए, 60% मुसलमान भी हैं, और लगभग बहुत रेयर जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं हैदराबाद से, बहुत रेयर ऐसा होगा कि असदुद्दीन अवैसी उस सीट से हारे। हालांकि टक्कर बहुत मजबूत है वहां, माधवी लता ने पहली बार, माधवी लता के सामने आने के बाद हमने पहली बार देखा कि असदुद्दीन अवैसी बौखलाए हुए नजर आए, तो क्या इस तरीके की भाषा पर उतर आएंगे? देखिए, असदुद्दीन अवैसी बौखला गया
माधवी लता जी को जैसे ही जमीन पर उतारा गया, वो वहीं की पैदा, वो वहीं की पढ़ी लिखी, उनकी अपब्रिंगिंग वहीं की परवरिश वहीं की बाशिंदा। उन्होंने जैसे जैसे सारी पंथियां खोली, उन्होंने जैसे जैसे असद की सारी सच्चाई बाप दादा के जमाने से खोली, उन्होंने जैसे जैसे बोगस वोटर्स का और जो जीवित और जिंदा वोटर्स थे उनको मारने का, उनको डेथ डेथ साबित करने का जो तरीका असदुद्दीन अवैसी ने रचा था, जो स्ट्रेटेजी सजा करके वो 40 साल से अपनी गद्दी बचा रहा था, वो सारी स्ट्रेटेजी जब जनता के सामने खुलकर आ गई तो असद बौखला गया। माधवी लता जी ने भगवान राम के बाण क्या चला दिए, उस दिन से अवैसी के कलेजे में तीर चलने लगा। राम नवमी में बाण क्या चला कि अवैसी का चेयर हिल गया और उसका उस त्रिशूल का उस बाण का तीर जो है ना वो सीधा अवैसी के चेयर में जाकर के घुस गया एकदम डायरेक्ट। मैं पूछना चाहती हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब आपसे कि क्या जैसे सनातनी और गैर धर्म की बेटियों का बलात्कार करना सुन्नते रसूल है, जैसे गला रेतना सुन्नते रसूल है, जैसे गला काटना और सनातनियों को काफिर बोलना सुन्नते रसूल है, वैसे ही महिलाओं को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देना भी सुन्नते रसूल। अच्छा माधव जी, आप पहली बार हैदराबाद गई थी, अभी इससे पहले भी जा चुकी हैं? मैं दो बार पहले जा चुकी थी हैदराबाद, तब मैं बहुत छोटी थी। मैंने गोलकुंडा देखा था, काफी चीजें मैंने वहां पर देखी थी, तब मैं बहुत छोटी थी और मात्र दो दिन, एक बार मैं 2 दिन रही थी और एक बार मैं 4 दिन रही थी। एक बार मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जो आप बताती हैं, तो आपने मुझे पहले बताया था कि जो हलाला के सेंटर्स वहां चले हुए हैं, हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ पर चल रहा है, तो जब अब गई तो क्या उसमें कुछ बदलाव है या वो अभी भी जो है खरीद फरोख्त का काम चल रहा है अभी भी? नहीं नहीं साहब, मैंने तो कहा आपको चार मीनार के पास चूड़ी बाजार में आप जैसे ही जाइएगा, काफी सारे जो एक तख्ता जैसा बना हुआ है और वहां पर काली काले बोर्ड पर उर्दू में लिखा हुआ है कि हलाला सेंटर यहाँ पर है, आप अपनी अहलिया, मतलब उर्दू अरबी में अहलिया बोलते हैं, आप अपनी बीवी को यहाँ छोड़कर जाएं और दूसरे दिन बाहिफाजत पाएं। ये कोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ छोड़कर जाएं और दूसरे दिन बाहिफाजत पाएं। और ये सारे चिट्ठे जो मैंने चार मीनार में घुस करके खोल दिए, हजारों लाखों मुस्लिम बेटियों से मैं मिल ली और वो सारे सोशल मीडिया पर मैंने डाल दिया, तो अवैसी के सलवार का नाड़ा हो गया टाइट, वो गया बौखला, वो सोचा कि इतने जमाने से जो अश्लीलता का नंगा नाच वो चला रहा था, वो जो सारी चीजें वो छुपा कर रखा हुआ था, वो तो अब खुल करके सामने आ गया। मुसलमान बेटियां इससे मिल ली जा करके, मुसलमान बेटियां इसके कंधे पर रो ली हैं, अब कहीं ऐसा ना हो कि माधवी लता से मिलने के बहाने नाजिया बार बार हैदराबाद आ जाए और हैदराबाद से 100-150 मुसलमान बेटियों को उठा करके सर्वोच्च न्यायपालिका ले जाए। अच्छा, जब आप मुस्लिम बेटियों से वहां मिली जाकर, कई तस्वीरें मैंने भी वो देखी, उनकी शिकायत क्या थी, उन्हें क्या चाहिए था? उनकी शिकायत ये थी कि बाजी हमें, हम हिंदी में दीदी बोलते हैं और प्रॉपर उर्दू में बाजी कहा जाता है, बाजी हमें मदरसा नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए। पर यहाँ पर घर घर के अंदर मौलवी साहब जो है मदरसा खोल करके रखे हुए हैं, स्कूल तो खुलता ही नहीं। उनकी शिकायत थी कि मेरा हस्बैंड बच्ची पैदा करवाता है और उसके बाद फिर भाग जाता है हिंदू लड़कियों के साथ। उनकी उनकी शिकायत थी कि शौहर मेरा ऑटो रिक्शा चलाता है लेकिन चार चार बीवी रखा हुआ है और 10-10 बच्चे पैदा करवा रहा है। उनकी शिकायत थी कि हमें 3 टाइम खाने को नहीं मिल रहा है लेकिन हमारे ऊपर जितने जितनी तकलीफ और जितना जितनी मुश्किलों का सामना हमें हमें करना पड़ रहा है, अगर हम अवैसी साहब से मिलने जाते हैं तो वो हमसे मिलते नहीं है। मतलब समस्याओं पर ध्यान नहीं देना है, वोट जिहाद करना है, जो खुलकर इस बार चुनाव में सामने आ भी गया। तो जिस तरीके से आपने डिफेमेशन का केस किया है अवैसी साहब पर, अब देखते हैं कि अवैसी साहब इस पर क्या कुछ जवाब देते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि ये पहला चुनाव था 2024 का जिसमें असदुद्दीन अवैसी की जमीन उन्हें खिसकी हुई नजर आई। पहली बार उन्हें लगा कि हाँ, मुकाबला टक्कर का है और उनकी हार भी हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि नाज़िया इलाही खान वर्सेज असदुद्दीन अवैसी की इस जंग में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नाज़िया जी।